इंदौर में आपदा प्रबंधन समिति ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनता कर्फ्यू लागू किया है, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बावजूद कई लोग जनता कर्फ्यू का मखौल उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इंदौर में प्रशासनिक आदेशों के खिलाफ शादी समारोह आयोजित किए जा रहे हैं, जिन पर प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में जनता कर्फ्यू के तहत लगातार प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है और इंदौर की जनता भी कर्फ्यू में अपना पूरा सहयोग देती हुई नजर आ रही है, लेकिन कुछ लोग प्रशासनिक नियमों को ताक पर रखते हुए धूमधाम से शादी आयोजित करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राव पुलिस के संज्ञान में आया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दो अलग अलग थाना क्षेत्रों में भीड़ इकट्ठा कर शादी की जा रही है। पुलिस ने तुरंत मामले में एक्शन लेते हुए मौके पर पहुंच कार्रवाई की और शादी में सम्मिलित परिवारजनों पर 181 सहित आपदा प्रबंधन के अधीन प्रकरण दर्ज किया। थाना ऊपरी सूचना प्राप्त हुई कि दो जगहों पर शादी हो रही है और वहां पर इकट्ठा है। सूचना पर कार्रवाई के लिए फोर्स को भेजा गया, वहां पर ये पाया कि दोनों जगहों पर शादी हो रही है और दोनों जगहों पर एक खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अब इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। इंदौर में बिगड़ते हालातों को देखते हुए शादी समारोह या किसी भी तरह से भीड़ इकट्ठा करना काफी भयानक हो सकता है। जनता कर्फ्यू को प्रशासन और जनता के सामूहिक प्रयासों से ही सफल बनाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज, इंदौर। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।